संक्रांति के पावन अवसर पर कोई अन्न दान करता है तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, कोई तिल दान करता है उसको शिव लोक की प्राप्ति होती है। पर आप लोग सोच रहे होंगे हम तो दो ही दान करते हैं, अन्न का दान भी करते हैं और तिल का दान भी करते हैं, या तिल मिश्रित अन्न का दान करते हैं, तो हम किधर जाएंगे, शिवलोक में जाएंगे कि विष्णु के लोक में जाएंगे? तो शिव महापुराण कहता है उनके लिए दो ही तरफ के दरवाजे खुले रहते हैं, वो जिस लोक में भी जाना चाहें, शिवलोक में जाना चाहें तो शिवलोक में चले जाएं, और विष्णु के लोक में जाना चाहें तो विष्णु के लोक में चले जाएं। तिल मिश्रित अन्न का दान करने वालों के लिए दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, वो जहां चाहें वहां जा सकते हैं, और वो परम आनंद का धाम है सदा सदा के लिए। ये दो ऐसे धाम हैं जो सनातन हैं।